हिंदू धर्म में गंगा नदी सिर्फ एक नदी के रूप में नहीं बल्कि देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। यही कारण है कि गंगा दशहरा यानी वह दिन जब माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी वो एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय से हुआ, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा धरती से पहले देवलोक में थीं, इसलिए उन्हें देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी धारा काफ़ी तेज थी जिसके कारण माँ गंगा का देवलोक से सीधे धरती पर आना असंभव था। इसलिए शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किया। भागीरथी की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं, लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थीं। उन्होंने भागीरथी से कहा कि धरती उनका तेज वेग सह नहीं पाएगी और रसातल में चली जाएगी। इसके बाद भागीरथी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बातें बताईं। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दीं और इस तरह माँ गंगा देवलोक से शिवजी की जटा में समा गईं और शिवजी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में से उनका एक नाम गंगाधर भी है। शिवजी की जटाओं में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। इसके बाद माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहाँ भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। माँ गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से माँ गंगा पहले शिवजी की जटाओं में समाई, फिर धरती पर अवतरित हुई और तब से ही गंगा दशहरा मनाने की प्रथा शुरू हुई।